इस मंच पर पूजनीय महाराज जी भी बैठे हैं। हालांकि मैं सारा इतिहास सारा वृतांत तो नहीं जानती, भैया रामवीर जी को पता है तो उन्होंने बताया है, लेकिन कुछ ना जानते हुए भी मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और महाराज जी से आपका आशीर्वाद चाहते हुए गीत सुना रही हूँ, शायद आपको अच्छा लग जाए। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े बड़े लोग रात भर नहीं बैठते कीर्तन में, क्या बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी, लेकिन आप जैसे महान लोग, हम जैसे तुच्छ लोगों का उल्टा सीधा गाना बजाना भी बैठकर सुन रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे महाराज जी के चरणों में एक बार थालियां आप लोग बजाएं कि हम बच्चों को आप सुन रहे हैं, इससे बड़ा पुरस्कार प्यार दुलार उपहार क्या हो सकता है। तो महाराज जी एक गीत सुनिएगा, रामवीर भैया आपके लिए। अच्छा, गीत में कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है ये, और हो सकता है आपने सुना भी हो, हमारे केएस भैया की बड़ी दया है आज। और क्या बात है, फिल्मी गीत कह रहा है के उल्फत से भरी सेज के फूलों को नमस लो, तो फिर आपको ये प्यार का, फिर आपको ये प्यार का बिस्तर ना मिले, फिर आपको ये प्यार का बिस्तर ना मिलेगा, तो हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिले। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, तो घर छोड़ के न जाओ, मुंह मोड़ के न जाओ, कहीं घर न मिलेगा, तो हम जैसा कहीं आपको दिलबर जी। गीत पर गौर करिएगा, हम लोग बहुत आराम आराम से गाते हैं। भैया ने नाम नहीं बताया, 21 मुद्राएं हैं आपकी तरफ से, और ये देखिए गाढ़ी मेहनत का पुरस्कार मिल रहा है। क्या बात, ये व्यवहार का पुरस्कार नहीं, ये प्यार का पुरस्कार है। क्या बात, बस क्रांति माला इसीलिए पूरी है क्योंकि सच्चाई कह देती है और मुझे डर भी नहीं लगता कहीं, और हम गोली बारूद को भी नहीं डरते कभी। खैर, आपका यही पुरस्कार मेरे लिए सबसे बड़ा है। गीत को सुनिएगा और मैं कमेटी के सभी भैया लोगों से चाह रही हूँ कि मेरे इस गीत को सुनिएगा आप लोग। गीत कह रहा है दिलबर ना मिलेगा, घर ना मिलेगा, बिस्तर ना मिलेगा, तो मैंने भी एक प्रयोग किया है, ना मिलेगा और आपका दिल कहेगा कि कितनी अच्छी बात सुनाई है। जिस समय भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर मार दिया, निकल जा भैया निकल जा, जाओ ये भस्मा स्वर है। ये खड़खड़े स्वर है। जाओ। भगवान श्री राम ने जिस समय बाली को छुप कर मारा, तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मानस कह रही है, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बाली के प्राण तो निकल रहे हैं लेकिन बाली राम से एक बात कह रहा है। बाली ने कहा कि हे राम धर्म ए तू अवसर हूँ गोसाई, बाली ने कहा धर्म हे तू अवसर
अवतारे हु गोसाई, धर्म हेतु अवतारे हु गोसाई, मारे हु मोही व्याधि की नाई। क्या बात है। तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरी दुश्मनी तो मेरे भाई सुग्रीव से थी, आपने मुझे मारा। वो कहा, जब भगवान राम ने सुना बाली शिकायत कर रहा है, तो बाली से राम जी ने कहा, सुनो सुनो बाली, तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें मारा, तो क्यों मारा? क्योंकि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन शठिये कन्या समचारी। जो इन नारियों की इज्जत नहीं करता उनको मार देना चाहिए। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन शठिये कन्या समचारी, मूड तो ही अतिशय अभिमाना। तुझको अपने आप पर घमंड था। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सी न काना। तो सुनत राम अति कोमल बानी, सुनत राम अति कोमल बानी, पालिसी से निज पर से उपाय। भगवान श्री राम ने कहा कि बाली, अगर तुझे लग रहा है कि मैंने गलत मारा, तो जा अचल करहु राखहु तन प्राणा। जा, मैं तुझे तेरी जिंदगी देता हूँ, तुझे तेरा राजपाट देता हूँ, तुझे तेरा जीवन देता हूँ, अचल करहु राखहु तन प्राणा। तो बाली कहा, सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा, नहीं राम, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। और मेरी पंक्ति सुनिएगा रामवीर भैया, उस बाली ने कहा, मुझे जीवन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कि अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। सुनिएगा, और रामवीर भैया मुझे कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो पुरस्कार मिलेगा जो कलाकार के लिए होता है। ये बात। बाली ने कहा, हे राम, मुझे मरने दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। क्यों? क्यों? मिले मौत भले सामने, मिले मौत भले सामने, ये ईश्वर ना मिले। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है, बस मेरा आना सफल हो गया। सफल हो गया। भले ही मौत तो मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद आदमी जिसके पास जाता है, वो आज मेरे पास खड़ा है। तो मिले मौत भले सामने, ईश्वर न मिलेगा। तो अब ऐसा कभी राम जी अवसर। बाली, बाली मर तो रहा है, लेकिन कह रहा है, हे राम, ये मेरा भाग्य देखिए। के पक्षी को लिए गोद में, सुनिएगा पंक्ति क्षमा करिए, कहा बाली ने, के करुणा की एक बूंद को तरसे है कई लोग। आपकी करुणा पाने के लिए कोई हजारों हजारों साल तपस्या करता है, कोई माला जपता है, कोई मनाता है, फिर भी आप नहीं आते। और इस बाली को देखिए, पाप करने के बाद भी आपको मेरे पास आना पड़ा है। तो करुणा की एक बूंद को तरसे है कई लोग, तरसे है कई लोग, पर जीवन में मुझे करुणा का, जीवन में मुझे करुणा का सागर न मिले।
मुझे राम जैसा सागर कहाँ मिलेगा। जीवन में मुझे करुणा का सागर न मिलेगा, तो मुझे मर जाने दीजिए। अब ऐसा कभी राम जी अवसर जी, मेरे गीत में तीन पात्र हैं। आपके लिए 300 पात्र मानस के छोड़ रही हूँ। अभी आपने तमाम पात्र गा दिए थे, शबरी, केवट, भीलनी, सब कुछ, तो वैसे ही मैंने ये तीन पात्र लिए हैं। ये दूसरा पात्र है जटायु। जटायु, जटायु के लिए भी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। आगे परागीध पति देखा क्या आगे परागीध पति देखा, सुमिरत रामचरण जिन्ह रेखा। भगवान ने उठा लिया और कहा जटायु ये क्या हो गया। तो जटायु बोले क्या? नाथ दशानन यह गति कीनी, रावण ने यह हालत बनाई। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेही खल जनक सुता हर लीनी, तो राम कहा तन राखउ ताता। राम ने जटायु से भी कहा हे जटायु अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी दे सकता हूँ। राम कहा तन राखउ ताता, मुख मुस्काई कही तेही बाता, के जाकर नाम मरत मुख आवा। मरते समय जिसका नाम लेना चाहिए वो तो मेरे पास गोद में मुझे लेके बैठा। तो जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही आगे। पंक्तियों को सुनिएगा कि जटायु के भाव कैसे हैं। कैसे? उस पक्षी ने मरते मरते एक बात कही। क्या? उसने कहा हे राम आज मेरा भाग्य खुल गया, क्योंकि क्योंकि पक्षी को लिए गोद में परमात्मा स्वयं। परमात्मा स्वयं आज मेरे जैसे पक्षी को लेकर राम रो रहे हैं, तो ऐसा तो किसी पक्षी का, पंक्ति सुनिएगा, कि ऐसा तो किसी पक्षी का मुकद्दर न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है। के ऐसा तो किसी पक्षी का मुकद्दर न मिलेगा, तो मुझे अपनी गोद में मर जाने दीजिए, क्योंकि हे राम, हे राम अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिले। पुरस्कार मेरे लिए बड़ा कीमती है। अभी मैंने भैया से सुना कि हमारी आंटी जी बड़ी दूर दूर जहाँ अच्छे कीर्तन होते हैं वहाँ पहुँचती हैं। क्या बात? और मैंने एक बात नोटिस भी की कि कलाकारों के साथ आप गाती भी रहती हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये एक आत्मिक लगाव है आपका कीर्तन से। क्या बात? मैं प्रणाम कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाह रही हूँ, धन्यवाद है। एक पंक्ति और सुनिए। तीसरा पात्र है रावण। अब देखिए मैंने रावण को क्यों लिया, क्योंकि गोस्वामी जी ने रावण के लिए भी लिख दिया। रावण भी इस बात का घमंड लिए बैठा है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता। गाने में ये सब भी है, मानस भी चल रही है।
ये भी काम करने पड़ेंगे अगर दूसरे से चाह रहे हैं तो। और क्या? खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारही बिनु भगवंता। मेरे जैसे लोगों को कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरू हटी करहू, प्रभु शर प्राण तजय भवतरहू। और रावण ने कहा कि हे राम, होई है भजन न तामस देहा। इस तामसी शरीर से भजन वजन नहीं होगा, इससे तो केवल युद्ध होगा। तो होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ से। रावण भी कह रहा है प्रभु आप मुझे मार तो रहे हैं, लेकिन ये रावण कह रहा है के विधना के वर के द्वारा नर ही काल है मेरा। विधना के कथना अनुसार मुझे भगवान नहीं मार सकते, मुझे कोई नर आएगा। और देखिए भगवान को विवश होना पड़ा, भगवान राम को रावण को मारने के लिए नर रूप धारण करना पड़ा। तो रावण कह रहा है कि मेरे जैसा भी कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े देवताओं को मैंने धूल चटा दी, शनि को उल्टा टांग दिया, पवन से झाड़ू लगवा दी, इंद्र को भी कैद में कर लिया, और बड़े बड़े लोग आगे पीछे घूमते रहे मेरे। तो हे राम तुमको भी मैंने वन वन में रुला दिया, तो मेरे जैसा भी नहीं हो सकता। यह तो विधना के वर के द्वारा नर ही काल है मेरा, नर काल है मेरा। तो भगवान किशन भू पर, भगवान किशन भू पर बन के नर न मिले। और रावण भी कह रहा है मुझे मरने दीजिए, क्योंकि जो मैं करने आया था वो तो मैंने कर लिया, मैंने आपको रुलाना था मैंने रुला लिया। तो अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिले। अच्छा लगा हो तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके आनंद के लिए अगर समय बचा हो तो कट पीस गा दूं, समय हो गया हो तो। खंड गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास। अब एक गीत बड़ा सुंदर उधर से आया था, तुम्हें ये प्यार का वरना
तुम्हें ये प्यार का बिस्तर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा। जरा ध्यान देना छोटे भाई की बात पर। आपने पात्र लिए बाली, रावण, जटायु। जटायु से भी भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, चाहो तो प्राप्त करो। बाली से भी कहा लेकिन रावण से नहीं कहा। जे जे। अगर आपको पात्र छांटने ही थे तो वो तीनों ऐसे होते जिसमें राम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जीवन दूं। जो जो। इसीलिए तो कहना है आपने पात्र तीन उस प्रकार के नहीं छांटे। अगर एक जैसे होते तो जवाब लिखना कठिन होता, लेकिन जब आप ही अपनी क्रिया से अलग हो गए तो रास्ता मिल गई। घर छोड़ कर न जाओ कहीं घर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिल भर गाया जा रहा है। शर्मा जी जो हमारे यहाँ गाया जा रहा है। जेहु जेहु। सौ जन्म धरूं मुझको ईश्वर न मिलेगा। 27 मई को गवाह है। जय जय। हमारे सामने 27 मई को गाया गया है। मुक्ति का श्री राम जी अब सर। जेहु जेहु। तुम लोगों की सहपाठी। और आखिरी लाइन क्रांति जी कैसे आखिरी लाइन है उनकी। कहते हैं किशन अब इसका उत्तर हम पूछते हैं कहां से आया। कहते कानपुर से व्हाट्सअप कराया है। और शर्म तो तब लगती है जब वो चाय की दुकान पे बैठ के कहते हैं कि राम जी यार दिमाग खराब हो गया। जेहो जेहो। काफी मुश्किल से तीन अंतरा सेट हुए। बातें ऐसी होती हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त का फेर। वक्त बदलने में कभी ना लगे जरा सी देर। चार लाइनें मैंने लिखी हैं, अपने लिए लिखी हैं। क्या समझाए माने ना माने, समझाए माने ना माने, माना जीवन के माने का। समझाए माने ना माने, माना जीवन के माने का। आने आने को गिनते रहे क्या उद्देश्य यही था। लिखते रहे जीवन के
अफसोस होता है। आना लिख तेरे जीवन के ना वक्त हरी गुण गाने का। और मैं तो कह ही रहा हूं, आप लोग भी अगर समझ जाओ तो आशीर्वाद देना। अरे ना वक्त हरी गुण गाने का। और रामवीर जाने तो अब क्या जाने जब वक्त आ गया जाने का। दिल तोड़ के न जाओ तोड़ के न जाओ ये करो बोले। अब इधर से भगवान राम क्या कह रहे हैं तीनों ही पात्रों से। राम बालिन जो धाम पठावा राम बालिन जो धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा नगर लोक सब व्याकुल ना ना विधि विलाप कर तारा। जिसमें बाली के बाण लगा है बाली कह रहा है प्रभु मैं अब जीवन नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि राम मेरे सामने है। ना ना विधि विलाप कर तारा छूटे के सन देह सवार छूटे के सन देह नित्य कहे लगे तुम रोवा। इसलिए अब कह रहे हैं भगवान राम कह रहे हैं बाली बदले के लिए तुझसा पहले था तेरे सामने सब दृश्य है बदला दृश्य है बदला। लोग समझते हैं कि भगवान राम ने बाली को केवल इसलिए मार दिया कि सुग्रीव से मित्रता थी अनुज वधू भगिनी सुतनारी केवल इसलिए मार दिया। नहीं, इसमें भी एक राज की बात थी। विद्वान लोग जानते हैं जिस समय देवासुर संग्राम से महाराज दशरथ कैकेयी के साथ लौट रहे थे तो उस बाली ने महाराज दशरथ के सामने शर्त रख दी। चूंकि बाली में जो भी युद्ध करता था उसका आधा बल आ जाता था तो उस बाली ने शर्त रख दी कि या तो दशरथ मुझसे युद्ध करो या अपने सर का ताज दे दो या अपनी केकई को दे दो। तो उस समय केकई के कहने से राज मुकुट जो था वो बाली को दिलवा दिया। तो भगवान राम को अपनी माँ और अपने पिता के अपमान का बदला उस बाली से लेना था लेना था, इसलिए उस बाली को भगवान राम ने मारा। लेकिन कह रहा है राम कह रहे हैं बाली से पहले था तेरे सामने सब दृश्य है बदला सब दृश्य है बदला सब दृश्य है बदला। और मैंने मैंने लिया है बदला इस बदले का भी बदला मैंने जो लिया है बदला तो इस बदले का भी बदला। बाली कभी मेरी बातों में अंतर न मिलेगा बाली कभी मेरी बातों में अंतर न मिलेगा क्योंकि पर मांग ले फिर तुझको ये रघुवर न मिलेगा क्योंकि ये वही बाली है
कृष्ण बने तो पहलिया बन करके उसी बाली ने भगवान कृष्ण के पैर में वो बाण मारा जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई। जय हो जय हो। अपने हो रहो अपने अपना हूं न गैर में अपना पात्र है जटायु। बाली से कह दिया भगवान राम ने कि बाली मेरी बातों में अंतर न मिलेगा और वर मांग ले फिर तुझको ये रघुवर न मिलेगा मिलेगा। अब दूसरी बात आती है जटायु की। अपने हो रहो अपने अपना हूं न गैर स्थान स्थान किसी को तेरे बराबर न मिले स्थान किसी को तेरे बराबर न मिलेगा पर मांग ले फिर तुझको ये रघुवर न मिलेगा रावण से भगवान राम ने क्या कहा। आओगे ये दूसरा जन्म है तुम्हारा आओगे मेरे सामने मेरे हाथों मरोगे मेरे हाथों मरोगे मेरे हाथों मरोगे से तरो तुम बाबु से तरोगे तुम बाबु से तरोगे निश्चित ही तेरे जैसा निश्चर न मिलेगा निश्चित ही तेरे जैसा निश्चर न मिलेगा। पर खास बात राम ने यह भी कह दी पर मांग ले फिर तुझको ये रघुवर न मिलेगा।